बेटा, सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपए का मासिक वेतन पर काम प्रारंभ किया था। कब किया था? 1985 में। वेतन कितना था उसका? 5,000। कितना रुपए वेतन था? 5,000 रुपए। हर साल यानी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, वर्दी होती है कितनी? 200 रुपए की। कितनी होती है? 200 रुपए। तो 85 में 5,000 था, 85 में, तो 86 में कितना हो गया? 5,200। 87 में कितना हो गया? 5,400। और 88 में कितना हो गया? 5,600। ऐसे करके वो कहता है कि उसका वेतन 7,000 रुपए कब हो जाएगा? 7,000 रुपए कब हो जाएगा? कितना वेतन है? 7,000 रुपए। यानी वहां पर ए एन बराबर कितना आना चाहिए? 7,000। कितना आना चाहिए? तो वहां पद का सूत्र क्या है? ए प्लस कोष्टक एन माइनस ए कोष्टक बंद हो रहे डी। अब देखो, अब बराबर में क्या आता है? ए एन, यानी वहां पद कौन सा? वहां पद कितना है? 7,000। प्रथम पद कितना है इसका? 5,000। ए बराबर कितना है? 5,000 कर दूं। प्लस एन अपने पास है नहीं, तो एन माइनस ए कर दूं। डी कितना है? अंतर कितना है हर साल का? 200, 200 रुपए अंतर है, वो डी होता है। अंतर क्या होता है? डी होता तो है। डी कितना है? 200 रुपए। ये हो गया 200 बराबर ए एन। 7,000 रुपए वेतन कब हो जाएगा? 7,000 वेतन है कब हो जाएगा? आप देखो, अब इसमें अपने दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, इस पक्षांतरण कर लो। क्या कर लो? तो ये संख्या रह गई थी एन माइनस एक गुणा कितने हो गए? 200। ये क्वेश्चन नहीं है ना, इसका मतलब गुणा है इससे। और ये हो गया 7,000। इसमें से ये 5,000 जाके घट जाएगा, यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो गया? तो एन माइनस एक गुणा डी, डी यानी 200 है, डी यानी, और 5,000 में, 7,000 में से 5,000 गए, कितने आ गए? 2,000। कितने आ गए? 2,000। ये इसके गुणा में है ना, ये इसके गुणा तो आगे जाए क्या करेगा? भाग लगाए। क्या करेगा? भाग। यहाँ जोड़ में होता है तो आगे जाके बाकी होता है, यहाँ बाकी होता है आगे जाके जोड़ होता है, यहाँ गुणा में है तो भाग होगा, और यहाँ भाग है तो आगे जाके गुणा होगा। तो यहां बच गया एन माइनस एक बराबर 2,000 बटा 200। 2 जीरो से 10 गुणा 20, एन माइनस एक बराबर कितना आ गया? दस। पक्षांतरण है, एन माइनस एक बराबर 10। ये यहाँ प्लस का है, माइनस का आगे जाके किसका हो गया? एन बराबर 10 रे कितना हो गया? 11। 11। 10 रे कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। ग्यारहवां पद, यानी 85 को साथ मिलेगी, 11वां पद है। 85 को साथ मिलेगी, 11वां पद है। तो इसमें 10 साल जोड़ दो। कितने जोड़ दो? 5 के आगे, 5 के आगे। 85 में 11 नहीं जोड़ेंगे, 85 को साथ में लेंगे, 85 को साथ में लेंगे। अगर आपको 11 जोड़ने हैं तो 1 साल यहां कम करो, 1984 से प्लस 11 कर दो, तो 1995 हो गया 1900। अगर आप इसका 85 को छोड़ते हो तो 10 जोड़ोगे, कितने जोड़ोगे? कितने हो गए 1995? कितने हो गए? 6 महीने। ठीक है, कब हो जाएगा वेतन उसका? 7,000 रुपए 1995 में। 1995 में। ओके।